सॉल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर भी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, बट दिस टाइम क्या हुआ कि 11th और 12th के सिलेबस को साथ साथ रन करना था, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ पोर्शन मैंने जो है क्लास 12th के साथ भी सॉल्यूशन के साथ भी पढ़ाया, ठीक। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड, वही चीजें रिपीट होंगी इसमें बहुत सारी, बट समथिंग इज द न्यू, कुछ नई चीजें भी होंगी और कुछ नए टॉपिक्स पर भी हम लोग काम करेंगे। तो अब की बार आपका जो यूनिट इसमें इन्वॉल्व होती है वो है एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सभी यूनिट्स आपके अभी हो गए हैं, तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बट ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहना है इस यूनिट से, मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ साथ आपको भी इस पे काम करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठा करेंगे डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए और फिर उनपे बेस्ड कैलकुलेशंस करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो आपका यूनिट है इसमें कुछ लॉज भी है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं वो भी करवाऊंगा, लास्ट में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन मोल्स एंड अदर कैलकुलेशंस, ओके। बट ये ऐसा शुरू में ही है वो आप बुक में, तो आपको ऐसा लगेगा सर ने इसको स्किप कर दिया, लेकिन हम उसको स्किप नहीं करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो वहां से भी आपको उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। द यूनिट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मोल, जैसा मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं, तो कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, मोल से स्टार्ट करेंगे, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम मोल। तो मोल मींस, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ एटम्स, इज द एसआई यूनिट ऑफ एटम्स, एटम्स की कैलकुलेशन का एसआई यूनिट है मोल्स, मोल्स इज द एसआई यूनिट ऑफ एटम। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना है, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ एटम। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, present system of atomic mass is based on carbon 12, कार्बन के एटॉमिक मास के बेस पर प्रेजेंटली हम लोग एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं। और पहले ये इस कैलकुलेशन के लिए हम हाइड्रोजन एलिमेंट को यूज करते थे, पहले किसको यूज करते थे, हाइड्रोजन को यूज करते थे, बट प्रेजेंटली द एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड, एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड ऑन द कार्बन 612 के बेस पर हम एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12, इट्स वन ट्वेल्थ पार्ट इज इक्वल टू वन एटॉमिक मास यूनिट, इसका 1/12 पार्ट जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, इट्स 1/12 मास इज इक्वल टू वन एटॉमिक मास यूनिट, इट्स 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 1 amu के बराबर है इसका 1/12 पार्ट। और अगर हम ग्राम वेट में देखें इसको तो ये हो जाएगा, इट्स 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 1 amu, दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और
1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 ऑफ केजी, इट मींस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। प्रेजेंट सिस्टम जो एटॉमिक मास के कैलकुलेशन का है वो किस पर बेस है, कार्बन 12 पर बेस है। इसका 1/12 पार्ट, इट्स 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 12 वेट है, 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना, तो इट्स 12th पार्ट, 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 1 amu। इसका 1/12 पार्ट एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, इट इज इक्वल टू 1 amu, ठीक है, क्लियर। और दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ऑफ किलोग्राम, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट स्केल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। और ओल्ड स्केल में कौन सा एलिमेंट को यूज करते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ओल्ड स्केल में हाइड्रोजन यूज करते थे इन ओल्ड स्केल, तो हम ऐसा लिख लेते हैं, उसका भी हमें जरूरत पड़ सकता है। इन ओल्ड स्केल एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड, एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ओल्ड स्केल में किसको यूज करते थे, हाइड्रोजन को यूज करते थे, ओल्ड स्केल में किसको यूज करते थे, हाइड्रोजन को यूज करते थे। बट इट्स मास इज 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, ये एग्जैक्टली एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर नहीं था, इट्स मास इज एक्चुअली 1.008 amu, इसका मास जो है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में डिफेक्ट आएगा अगर 0.008 बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको कैंसिल करके अभी प्रेजेंट कंडीशन में एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए किस एलिमेंट को यूज करते हैं, कार्बन 12 को यूज करते हैं, तो ऐसा सीधे सीधे याद रखेंगे। प्रेजेंटली द एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कार्बन 6-12, ओके, आइसोटॉप ऑफ कार्बन 6-12, एंड इन ओल्ड स्केल इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, एंड इट्स मास इज 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल, एक मोल का मतलब क्या है, तो देखो किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आर ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या उसका मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। जैसे हम ऐसा कहेंगे व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1 है, द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। बट ये बात आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट वेट ऑफ इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम, ये एटॉमिक वेट जो है वो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम का वेट नहीं है, इट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट है, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट तो हम लोगों ने ऐसा सुना है कि प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है, तो उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का वेट किसके वेट के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो अब भी बात क्लियर, तो एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल मींस 1 मोल किसको इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस को इंडिकेट कर रहा है। इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एनी अदर थिंग, अगर वन मोल की बात हुई तो जो काउंटिंग नंबर होगा इट इज इक्वल टू एन नॉट, दैट इज एवोगाड्रो'स नंबर 6.023 इनटू 10 to the power 23। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एनी अदर थिंग, अगर वन मोल की बात हो रही है तो इट इज इक्वल टू द एवोगाड्रो'स नंबर, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा एंड दैट इज 6.023 इंटू 10 to the power 23। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, 22.4 लीटर और 22,400 सीसी। तो वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 22,400 सीसी। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल, इट स्टैंड्स फॉर एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट वन मोल के इक्वल है, इट इज इक्वल टू वन मोल। ओके, इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस the number of atoms or molecules is equal to the Avogadro number, it is equal to the Avogadro number, and at standard temperature and pressure one mole of any substance occupy 22.4 liter or 22,400 cc of volume। बहुत बार हम लोगों ने इस कैलकुलेशन को यूज भी किया है, रेडॉक्स वगैरह में भी यूज हुआ है, तो इसलिए अभी ये चीजें आपके लिए अननोन तो नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पर, बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर हम लोग इससे बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि अगला यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वो है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, उसमें भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देयर इज द वन मोल एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वन मोल, इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस द नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर, एंड इन वन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज 22.4 लीटर। ओके, देखो जैसे हमने कहा वन मोल ऑफ अमोनिया, वन मोल ऑफ अमोनिया तो बाय वेट बाय एएमयू कितना हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का वेट होता है 14, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो बाय वेट कितना हो जाएगा 17 ग्राम यूनिट, 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बाय वेट कितना हो जाएगा, ये 17 यूनिट्स भी आप इसको कह सकते हो, है ना, 17 यूनिट्स भी कह सकते हो या 17 ग्राम पर मोल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इट इज 17 यूनिट, 17 ग्राम। भी कह सकते हैं, 17 AMU भी कह सकते हैं। ठीक है, और 17 ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, 17 ग्राम पर मोल, है ना, तो 17 यूनिट्स इज द वेट ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 17। अभी आपको ज्यादा उसके टेंशन में नहीं जाना है, बस ये सोचना है नाइट्रोजन का वेट 14, हाइड्रोजन का वेट
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 17। तो 17 यूनिट्स, इट मींस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, इट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है 17 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो 17 ग्राम अमोनिया बोलेंगे या 1 मोल ऑफ अमोनिया बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया मींस 17 यूनिट्स ऑफ अमोनिया, 17 ग्राम यूनिट्स ऑफ अमोनिया, एंड इट कंटेन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल है तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब 1 मोल या 6.023 आप 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलकर के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इट ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल वाटर कहा तो कितना हो जाएगा 18 इज द वेट ऑफ वाटर, 18 इज द वेट ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू 1 मोल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो ये 18 ग्राम ऑफ वाटर या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलकर के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल, ये 1 मोल का मतलब है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए। उनका ग्राम वेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो मोल में है उनके अपने एटॉमिक मासेस से वो क्या हो जाएंगे, मोल्स में आ जाएंगे, और अगर मोल्स में आ गए तो ये सभी चीजें कैसी हो जाएगी, इसमें एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। द वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एंड कंटेनिंग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो अगला काम हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक मासेस का कैलकुलेशन। अभी एक बात लगेगा कि एटॉमिक मास कैलकुलेट तो हम जोड़ जोड़ के लिख लेंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। टेबल हमको जोड़ जोड़ के मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, वो हमें शार्पली याद रखना है। इट सेव्ड टाइम, वो आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। और अगर मैं बोल दूंगा कि आप याद कर लो तो आप बिल्कुल याद नहीं करोगे, क्योंकि जिन बच्चों को मैं डायरेक्टली भी क्लास में कभी जब पढ़ाता था, वो समय था तो मैं बोल देता था एटॉमिक मास लिख के याद कर लेना, कोई याद नहीं करता था। इसलिए मैंने ये शुरू किया कि नहीं, मैं सब जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के बारे में आपसे खुद बात करूंगा, खुद लिखवाऊंगा, और आपको उसको याद भी करना है। जब आप उसको याद करेंगे तो जितने देर में लोग एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करेंगे उससे भी कम टाइम में आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका होगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कॉमनली यूज होते हैं उनके एटॉमिक मासेस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ करना नहीं है उसमें, जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को क्या करना है, जोड़ देना है, बट ये चीज हमें याद करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अमोनिया कितना हो गया 17, तो जब तक कोई सोचेगा नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 है तो मास 14 होगा, नहीं हुआ तो पता चला आंसर गलत आ गया, तो जब तक लोग उस चीज को इमेजिन करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस के बारे में। तो यहां पे क्या चीजें आपको, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, नाइट्रोजन का वेट चाहिए 14, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1, तो 14 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 है, सिंपल ही है, तो 3 हो गया, वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1,
इंटू थ्री, तो थ्री हो गया, तो 14 प्लस थ्री कितना आ गया 17, तो अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना है 17। सेकंड जो हमने यूज किया था अभी वाटर, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू टू 2 प्लस 16 तो कितना हो गया 18 यूनिट इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, जितने इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस हमको याद रखने हैं, कोशिश करना है, मतलब एक एफर्ट करना है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 तो कितना हो गया 32 प्लस 12 तो कितना आ गया 44, CO2 का वेट कितना 44, अमोनिया, वाटर, CO2, ठीक है, HCl, H का वेट कितना 1, Cl का कितना 35.5, तो देखो कार्बन का वेट यहां पे लिख लो 12, ऑक्सीजन का वेट लिख लो टेबल में 16, H का वेट आपके पास है ही, Cl का वेट कितना है 35.5, तो कितना आ गया 36.5 इज द वेट ऑफ HCl, 36.5, तो अगर NaCl होगा तो मुझे Na का वेट भी लगेगा, कितना हो गया 23, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, किस पोटेशियम का कितना होता है 39, कैल्शियम का कितना होता है 40, ओके, तो NaCl कितना 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा 58.5 इज द वेट ऑफ NaCl, तो NaCl का वेट कितना आ गया 58.5, पोटेशियम क्लोराइड 39 प्लस 35.5 तो वेट आ जाएगा 74.5, एक बार सबको चेक जरूर करेंगे, है ना, तो कितना आ गया 74.5 इज द मॉलिक्यूलर इज द वेट ऑफ KCl, ये KCl का वेट है, ये आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, और जो सब्सटेंस आयोनिक नेचर के होते हैं उनके वेट को हम फॉर्मूला वेट कहते हैं, द वेट ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इट्स फॉर्मूला वेट, आयोनिक सब्सटेंसेस के वेट को क्या कहते हैं, फॉर्मूला वेट कहते हैं, तो KCl का वेट क्लियर कितना 74.5। अब देखो जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का वेट कितना 40, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 3 तो 48 हो जाएगा, ओवरऑल टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ओके 48 12, हाँ ठीक है 100, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 Ca का वेट 40, क्लोरीन का वेट 35.5, तो 35.5 इंटू 2 तो कितना हो गया 71 हो गया, और 40 111 आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो Ca का वेट कितना, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना आ जाएगा 56, तो ये हो गए कैल्शियम के कुछ स्पेसीज का वेट लिख लिया हमने। ठीक है, अब मान लो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो किसका वेट चाहिए, सल्फर का वेट कितना होता है 32, ओके, तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, एक हाइड्रोजन का 1, दोनों के मिलाकर हो गए 2, सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 4 तो कितना 64, टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 98, तो H2SO4 का वेट है 98। इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है Na2S2O3.5 water, दिस इज कॉल्ड हाइपोसोल्यूशन, क्या कहते हैं इसको, हाइपोसोल्यूशन कहते हैं। देखो Na का वेट कितना 23, दो सोडियम है तो कितना हो जाएगा 46 ऑफ सोडियम, दो सल्फर है तो कितना हो जाएगा 64 ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 48 ऑफ ऑक्सीजन, और वाटर 5 है तो 5 वाटर, एक वाटर देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे एक वाटर का वेट कितना 18, तो 5 वाटर का वेट कितना 90, तो 90 यहां पर प्लस होगा, हियर 90 इज द प्लस, 90 प्लस होगा यहां पे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये 248 आ जाएगा, तो Na2S2O3.5 water का वेट हो गया पूरा का पूरा
248. तो इस तरीके से ध्यान रखना है, द वेट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन इज 248. हाइपो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 248 होगा, ऐसे याद रखना है. तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द कंपाउंड, तो हम लोग कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहे हैं. और इसको इतनी हार्ड वर्किंग से मैं लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब पक्का है कि ये सब याद रखने हैं. इसमें ऐसा नहीं करना है कि हम कर लेंगे, इसको ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है. तो अब ये हो गया आपका वेट का कैलकुलेशन स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने. H3PO4, तो किसका वेट चाहिए हमें? फॉस्फोरस का वेट चाहिए. तो फॉस्फोरस का वेट होता है 31. फॉस्फोरस इज 31, H3PO4, 3 प्लस 31 प्लस 64, ओवरऑल 98. H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का वेट कितना होगा? 98 होगा. 98 इज द वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड H3PO3, 3 प्लस 31 प्लस 48, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का मिलाकर हुआ 3, और 31 इज द फॉस्फोरस और 48, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 8 12 है, 282 है ना. तो 82 इज द वेट ऑफ H3PO3 फॉस्फोरस, और फॉस्फोरिक का है 98. Mg2P2O7, Mg2P2O7 is also used in volumetric analysis. तो मैग्नीशियम का कितना? 24. तो 24 का 2 तो कितना हो जाएगा? 48. फास्फोरस का 31 तो कितना हो जाएगा? 2 है तो 62. ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 112. तो टोटल आ जाएगा 10, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10 0, 6 और 4 10 100, तो 222 आ जाएगा. टोटल आ गया 222. तो Mg2P2O7 का वेट हो जाएगा 212 इज द वेट ऑफ Mg2P2O7. तो देयर इज कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स के वेट को हम काउंट कर रहे हैं. अब अगले हिस्से पर आते हैं. तो Mg2P2O7 तक हो गया. इसके बाद इंपॉर्टेंट में आएगा कैमनोफोर, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी. मैंगनीज का वेट होता है 55, आयरन का 56, ठीक है. मैंगनीज का 55, क्रोमियम का 52, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, सिल्वर का 108 और गोल्ड का 179, तो इन सभी चीज़ों के वेट को भी ध्यान रखना है. एल्यूमिनियम का 27, तो देखो कैमनोफोर 1 प्लस 55 ऑफ मैगनीज प्लस 64 ऑफ ऑक्सीजन, कैमनोफोर, तो के का वेट, सॉरी 39, 39 इज द वेट ऑफ के, तो के एम एन ओ फोर 158. कैमनोफोर का वेट कितना होता है? 158. तो वेट ऑफ कैमनोफोर इज 158. पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, दो पोटासियम है यहाँ पे, तो 2 × 39 प्लस क्रोमियम का 52, 2 × 52 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 × 7 112, तो टोटल वेट आ जाएगा 294. 294 इज द वेट ऑफ K2Cr2O7. पोटासियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 294. कैमनोफोर का कितना होता है? 158. और K2Cr2O7 का हो गया 294.
Na2CO3, दो सोडियम है, 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, Na2CO3, 8, 2, 10, 6, 106, 106 इज द टोटल वेट ऑफ Na2CO3, NaHCO3, NaHCO3, तो Na कितना 23 प्लस 1, तो कितना हो गया 24 प्लस 12 प्लस 48, तो काउंट कर लेते हैं, 8 और 2 10 और 1 11 और 3 14, तो 84 इज द वेट ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, इसको हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, जबकि Na2CO3 जब 10 वाटर के साथ रहता है तब हम उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10 वाटर के साथ रहेगा तो उसको हम कहेंगे वॉशिंग सोडा। तो दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वेट्स, है ना, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के वेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो यूज होते हैं, जैसे मीथेन, तो कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन कितना 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 16, इथेन C2H6, तो C2H6 कितना हो गया कार्बन 24 प्लस हाइड्रोजन के 6, तो कितना हो गया 30, ठीक है, C2H6 का 30 इथेन, ओके, 12 और 6, 24 और 6, 30, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, तो कितने कार्बन है 1, 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, यह आ गया 12 और 4, 16, 16 और 16, 32, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है मेरे पास तो 12 और 4, 16, और 1 ऑक्सीजन है तो 16, 32, C2H5OH, इथेनॉल, और इनसे ये भी आइडिया आपको लग जाएगा अगर किसी दूसरे सब्सटेंस का वेट निकालना है तो भी इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाउ टू अप्रोच, ठीक है, तो 46 इज द वेट ऑफ इथेनॉल, कितना हो जाएगा 46, एसीटोन CH3CO CH3, अब ऑर्गेनिक भी आपका इनिशियल हो गया है तो कंपाउंड्स की नेमिंग, कंपाउंड्स में भी आपको ये पता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है, 56 इज द वेट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का वेट कितना होता है 56, तो 56 इज द वेट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का वेट कितना है 56 है, CH3CO CH3 इज कॉल्ड एसीटोन, CH3CO CH3 इज द एसीटोन और वेट कितना 56। इसके बाद एसिटिक एसिड CH3COH कितना 60, कार्बन कितने हैं 2, तो ये हो गया 24, हाइड्रोजन कितनी है 3 और 1, 4, और ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 16 और 16, 32, तो 28 और 32, 60, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड का वेट कितना 60, एसिटिक एसिड के लिए वेट कितना 60, एसिटिक एसिड के बाद बात कर लेते हैं बेंजीन C6H6, कार्बन 6, तो 12 × 6, तो 72 प्लस 6, तो कितना हो गया 78, ठीक है, बेंजीन, बेंजोइक एसिड C6H5COH, 122 इज द वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का वेट कितना 122, ऑक्सैलिक एसिड COH, ऑक्सैलिक एसिड का वेट कितना 90, दो COH ग्रुप है, काउंट करके देख लीजिए, 16, 16, 32, 32 और 1, 33 और 12, 45, तो एक हिस्सा 45 का है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक और क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, अब नाम से भी ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड अगर कहेंगे तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड में क्या हो जाएगा COH COH.2 water, this is the crystalline oxalic acid, तो ये हो गया था COH COH 19 plus 18, तो ये हो जाएगा
प्लस दो वाटर है 36 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 126। तो जब भी क्रिस्टलाइन ऑक्सालिक एसिड कहेंगे तो वेट कितना हो जाएगा 126। क्रिस्टलाइन ऑक्सालिक एसिड का वेट 126 और ऑक्सालिक एसिड कहेंगे तो वेट कितना 90। ओके, तो याद करते रहिए इसको। तो क्रिस्टलाइन ऑक्सालिक एसिड का 126, नॉर्मल ऑक्सालिक एसिड का कितना 90। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं वेट के बारे में, अबाउट एटॉमिक मासेस, कैलकुलेशन ऑफ मासेस, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी सॉल्यूशन के समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ऐसा नहीं हो कि हमको वेट ना पलट पलट के देखना पड़ रहा है, इसलिए वेट याद रखने हैं सबके। कोई टिपिकल सा कंपाउंड आ जाए तो एक अलग बात है, फिर वहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली ये कंडीशन रखनी है कि वेट सब याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सालिक और क्रिस्टलाइन ऑक्सालिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज तो ग्लूकोज का वेट कार्बन कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और 96 ऑफ ऑक्सीजन, 16 × 6 इज द 96 ना, टोटल करेंगे तो 6 और 2 8 और 2 10 एक्सैक्ट 180। ग्लूकोज का वेट कितना होता है 180। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का वेट कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वेट कितना है 180। सुक्रोज, सुक्रोज या सुगर, तो सुगर में क्या होगा C12H22O11, C12H22O11 वेट कितना 342, तो सुगर का वेट कितना होगा 342। ओके, और कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कॉपर सल्फेट बोला तो कॉपर का वेट कितना होता है 63.5। सल्फर का कितना हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, चार ऑक्सीजन है। तो अगर कॉपर सल्फेट का वेट चाहिए होगा हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल कर लीजिए 4 और 2 6 और 5 11 का 1 आ गया, सब सेम डिजिट पर चल रहे हैं, 63.5 है ये, अच्छा 63.5 है, बाकी पॉइंटर पे नहीं है, तो ये हो गया 64.00, ये हो गया 32.00 और ये हो गया 63.5, तो ये आ गया पॉइंटर पे 5 और ये काउंट करेंगे 4 और 2 6 6 और 3 9 9 आ गया, और 4 2 6 और 3 9 और ये 6 और 3 9 और 6 15, तो 159.5 इज द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, 159.5 इज द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो देयर इज द वेट ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, कॉपर सल्फेट का कितना 159.5। अगले सब्सटेंस पर बात करते हैं, टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब्सटेंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट AgCl, सिल्वर क्लोराइड, बहुत बार जरूरत पड़ती है। Ag का वेट कितना है 108, रफली हम 108 लेते हैं, 107 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 108 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, तो यह आ जाएगा 143.5 द वेट ऑफ AgCl, AgCl का 143.5, AgNO3 108, नाइट्रोजन कितना 14 और ऑक्सीजन कितना 48, तो टोटल करेंगे भी आ जाएगा 170। ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, आयोडीन का वेट कितना 127, आयोडीन का वेट कितना 127, तो 1 प्लस 127 128। TCl5 फास्फोरस का 31, Cl का कितना 35.5 × 5,
तो आ जाएगा 208.5। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सब यूज होंगे इक्विलिब्रियम में। जब हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे ना तो वहां इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात होगी। सल्फर डाइऑक्साइड तो 32 प्लस ऑक्सीजन दो है तो 32 कितना हो गया 64 इज द वेट ऑफ SO2। SO3 कितना आ जाएगा 80 इज द वेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो देयर इज कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। ये सब इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं और जो आपको भी मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको भी मिलेंगे सब्सटेंसेस, तो उनके भी वेट आपको कैलकुलेट कर लेना है और उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो उनके वेट को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब टोटल जो मोल्स के कैलकुलेशन है डायरेक्टली जो यहां से जो कैलकुलेशन आएंगे वो तीन डिफरेंट फॉर्मूलों पर बेस है। इट इज बेस्ड ऑन थ्री डिफरेंट फॉर्मूलास, तीन अलग अलग फॉर्मूलों पर बेस है टोटल द कैलकुलेशन ऑफ द मोल्स। मोल्स की कुल कैलकुलेशन तीन अलग अलग फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है इसमें से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स हाउ टू कैलकुलेट, ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और अगर मान लो कोई सब्सटेंस एटम के फॉर्म में है तो कैसे लिख देंगे हम, ग्राम वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट। तब हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ग्राम वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट। अगर इंडिविजुअल एटम है तो ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, है ना, ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो ग्राम वेट मतलब गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इज द फॉर्मूला। और अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो ग्राम वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2.24 लीटर अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अगर वॉल्यूम में गिवन है, इफ इट इज गिवन इन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी निकालना है, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो अगर लीटर में गिवन है या मिलीलीटर में गिवन है तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। 6.023 इंटू 10 to the power 23 इज द फॉर्मूला दैट टाइम। ओके, और एक और फॉर्मूला वॉल्यूम से रिलेटेड, तो फॉर्मूला रिलेटेड विथ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और अगर इंडिविजुअल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट इज रिप्लेस्ड बाय द एटॉमिक वेट, अगर इंडिविजुअल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट इज रिप्लेस्ड बाय द एटॉमिक वेट। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4। तो ये फॉर्मूला है मोल्स के सभी कैलकुलेशंस का। तो यहां तक की चीजें अब आपको
अच्छे से करके रखना है, याद करके रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर धीरे 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 इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। एक बात फिर से वो चीज़ ध्यान रखना है कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, बट सबसे लास्ट में। ओके, थैंक यू। Hi. To become an official commando of BioMentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentors online app from Google Play Store.